नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस समय 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 19 उपभोक्ता जागरूकता का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 3 वीडियो में हमने उपभोक्ता जागरूकता का आशय क्या है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार और उपभोक्ता शोषण के कारण कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता शोषण के निदान की, यानी कि उपभोक्ताओं का जो शोषण हो रहा है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उसके उपाय कौन कौन से हैं। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए या उसके निदान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा, उनको शिक्षित होना होगा और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना होगा। उनको यह जानना होगा कि उनके अधिकार कौन कौन से हैं और वह अपने अधिकारों का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। उपभोक्ता शोषण के निदान के कुछ बिंदु हैं, हम उन बिंदुओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोक्ता शिक्षा की। शोषण से निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता है। सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए हैं, किंतु यह देखा गया है कि जन सामान्य को इनकी जानकारी होती ही नहीं है। अतः उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने का दूसरा उपाय है मानकीकृत वस्तुओं का क्रय। बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, किंतु शोषण से बचने के लिए उपभोक्ताओं को हमेशा मानकीकृत वस्तुएं ही खरीदना चाहिए, जैसे ISI, एगमार्क और हॉलमार्क वाले चिन्हों की वस्तुएं मानकीकृत होती हैं। उपभोक्ता शोषण को रोकने का अगला उपाय है कैश मेमो या रसीद प्राप्त करना। किसी वस्तु को खरीदने के साथ ही उसका कैश मेमो लेना बहुत आवश्यक है। जब भी बाजार से या माल से किसी भी दुकान से कोई वस्तु खरीदें तो उसका कैश मेमो लेना बिल्कुल ना भूलें। इससे वस्तु के खराब निकलने या घटिया होने अथवा निर्धारित समय के पूर्व ही खराब हो जाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जब भी आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास सबसे पहले कैश मेमो होना बहुत ही आवश्यक होगा। उपभोक्ता शोषण से बचने का अगला उपाय है विज्ञापनों के बहकावे में ना आना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों का टेलीविजन और अन्य माध्यमों से आकर्षक विज्ञापन करते हैं। इन विज्ञापनों को इस प्रकार से दिखाया जाता है कि उपभोक्ता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वे वस्तु खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि उपभोक्ताओं को विज्ञापनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वस्तु खरीदने से पूर्व उसकी गुणवत्ता, कीमत और मात्रा आदि को अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तु जैसी दिखाई जाती है वास्तव में वह वैसी होती नहीं है। अधिकतर लोग विज्ञापन देखकर कोई वस्तु क्रय कर लेते हैं, लेकिन जब उसका उपयोग करते हैं तो बाद में उनको पछतावा होता है। उपभोक्ता शोषण से बचने का अगला उपाय है सामूहिक रूप से शिकायत करना। एक अकेला उपभोक्ता उत्पादक या विक्रेता के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, किंतु यदि सामूहिक रूप से शिकायत की जाए तो वह अधिक प्रभावशाली होती है और इस पर कार्रवाई होने की संभावना ज़्यादा होती है। उपभोक्ता शोषण से बचने का अगला उपाय है खराब होने की तिथि की जाँच करना। जब भी हम मेडिकल से कोई दवा खरीदते हैं तो खराब होने की अंतिम तिथि जरूर देख लेनी चाहिए। दवा के ऊपर जो अंतिम तिथि अंकित होती है उसके पश्चात हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वह दवा कोई काम की नहीं रहती है और हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट या कोई बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी दवा लें तो उसकी अंतिम तिथि जरूर देख लें। ठीक इसी प्रकार से खाने पीने का सामान जब हम बाजार से खरीदते हैं तो उस पैकिंग पर उसके अंतिम उपयोग की तिथि भी जरूर देख लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उसकी तारीख निकल गई हो और हम उस सामग्री को ले जाएं घर पर और उसको खा लें और बीमार
पड़ जाएं। तो उपभोक्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह बाजार से कोई खाने पीने की सामग्री खरीदें तो उसके अंतिम उपयोग की तिथि जरूर देख लें। ये थे कुछ उपाय जिनसे उपभोक्ता शोषण से बच सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक उपभोक्ता आंदोलन पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।